आप सभी जानते हैं, आप सभी का नेक्स्ट एग्जाम है केमिस्ट्री का। आई होप आपकी जो तैयारी वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप इक्वली हर चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। ध्यान रहे इस चीज़ का, क्योंकि यूट्यूब पे आप सभी जानते हैं फिजिक्स का जब से पेपर आया है तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि इस बारे में अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि पेपर काफ़ी ट्रिकी था, कुछ का पेपर कहना है कि बैलेंस था, और कुछ वीडियोज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ आपका अटेंशन पाने के लिए कहा कि पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। मैंने भी कुछ टाइम पहले ही एक दो वीडियोज़ देखी हैं, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। क्योंकि व्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि आप सभी जो आप चाहते हो उस पर उस तरह की वीडियो बनाई गई है कि पेपर बहुत ही जो है ख़राब बनाया गया CBSE की तरफ से। मैं जानता हूँ जो आपके जो टॉपिक्स लगते हैं कि जो आने चाहिए थे, जो आते हैं हर साल, वो नहीं आए, उनमें से थोड़े से अलग चीज़ें या फिर जो क्वेश्चन पूछे गए वो इनडायरेक्ट हैं, पर बोर्ड एग्ज़ाम में ये होना संभावित है। अगर आप बात करो अगर मैं 2018 की, 2018 में भी ऐसे हुआ था, आपके जो क्वेश्चंस आए थे, जो टॉपिक्स आए थे, वो नहीं थे जो हमेशा हमें एक्सपेक्टेड होते हैं। इसी का ध्यान रखना है। अब ध्यान क्या है, अब वहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि जो चैप्टर है उनको इक्वली वेटेज नहीं देगी, एटम्स, न्यूक्लियाई और आपका जो डुअल नेचर है। तो मैंने आपसे को पहले भी ये चीज़ कही थी कि ऐसा नहीं है कि आपको हर चैप्टर को इक्वली दिया जाएगा। अगर कोई यूनिट 12 मार्क्स की है तो हो सकता है उसमें, अगर उस यूनिट में अगर दो चैप्टर हैं तो ज़रूरी नहीं कि उन दोनों को 6-6 मार्क्स दिए जाएंगे। एक को 8 दे दिए गए तो एक को बचे हुए मार्क्स दिए जाएंगे, तो इस तरह डिवाइड कर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर इतने मार्क्स, इसलिए कभी भी आपको अगर आप वेटेज देखोगे केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, आप कभी भी चैप्टर वाइज नहीं बताया जाता है। बच्चे का सर्च करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, यूनिट वाइज वेटेज, यानी कि यूनिट में कितने चैप्टर हैं। क्योंकि ध्यान इस बात का रहता है कि जब बोर्ड पेपर बनाएगा तो उसको हर कई बार क्या होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लेंथ हो जाता है तो उसको ज़्यादा मार्किंग देनी पड़ती है, तो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को उतने ही मार्क्स देने थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसलिए यूनिट वाइज बनाया गया है ताकि एक दो चैप्टर को अगर मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत ना हो। इसी तरह आपको केमिस्ट्री में होने वाला है, इसलिए मैंने आप सभी को बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री का ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि आप फिजिक्स एग्जाम्स को सीखें और उसे अप्लाई करें। केमिस्ट्री में आपके जो चैप्टर्स हैं उसके लिए वेटेज मैंने बताई हुई है, जो चैप्टर्स वाइज वेटेज अगर आप जाएंगे PDF में तो CBSE की जो ऑफिशियल PDF है उसमें यूनिट बता रखी है कि ये यूनिट इतने मार्क्स की है, तो उस यूनिट में से इतने मार्क्स के पेपर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि कौन चैप्टर कितने मार्क्स का है, इसलिए सारे चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर जरूर करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग से पेपर आ जाएगा, तो हर साल ऐसे होता है। फिजिक्स का जो आपका पेपर होता है वो थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, 19 की बात करूँ, 19 में मुझे पेपर काफ़ी आसान लगा एज़ कम्पेयर टू 18। 18 में जो पेपर आया था और 19 में जो पेपर आया, 19 में आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे जो कि लगता है बच्चों की हाँ ये चीज़ें आ सकती हैं, वही चीज़ें आई थी, फिर भी बच्चों का कहना था कि पेपर हार्ड आया। तो केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपका पेपर ईजियर ही लगता है बच्चों को। तो आई होप इस साल भी जो आपको पेपर आएगा वो काफ़ी अच्छा जाएगा, और आज जो पेपर देखेंगे तो आपको जो फिजिक्स का जो आपको थोड़ी सी सैडनेस है बच्चों के अंदर, थोड़ा सा डर है, वो कम हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि अब CBSE चीज़ में अगर कुछ सोचे कि काफ़ी ज़्यादा इस पर रिएक्शन आ रहे हैं, तो अगर हो सकता है CBSE कुछ अगर निर्णय लेती है फिजिक्स के ऊपर, पर मेरे हिसाब से जो पेपर था वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आप जो बच्चा कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हो उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, जो बच्चे नॉर्मल स्टडी करते हैं उनके लिए थोड़ा टिपिकल था क्योंकि वो उस लेवल का नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे पेपर होने चाहिए जो सबको साथ लेके चले, सारे बच्चे आराम से पास हो जाएंगे। इस तरह के पेपर लेवल होना चाहिए, मैं मानता हूँ, पर उसे ये कहते हैं कि उसमें JEE क्वेश्चन, तो JEE लेवल के क्वेश्चन उसमें नहीं है। एक मैंने यूट्यूब चैनल देखा जो कह रहे हैं कि इसके अंदर JEE लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। JEE लेवल के क्वेश्चन अलग होते हैं, अगर आप एक बार देखे जाएंगे JEE मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स पेपर नहीं कर पा रहे उनको JEE मेंस में बहुत दिक्कत होने वाली है, इसी का ध्यान रखना। ये आपकी तरफ से ट्रू रिफ्लेक्शन है, जो क्योंकि आपका अब JEE मेंस आने ही वाला है, ज़्यादा समय नहीं रह गया, ठीक है। अप्रैल में आपको JEE मेन्स है, तो अब उसके लिए आप कितने प्रिपेयर हैं आपको पता चल गया होगा। उसी तरह तैयारी करें जितने आपकी बोर्ड की तैयारी जिस हिसाब से है, जो आपने पहले उसको पढ़े अच्छे से, उसके लिए जो JEE लेवल क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करें। क्योंकि अगर आपसे बोर्ड लेवल की ये क्वेश्चन नहीं हो पाए तो JEE मेन्स में आपसे वो क्वेश्चन नहीं हिल पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो सारे कंसेप्ट होते हैं आपके, एक तो क्लास 11 के कंसेप्ट आएंगे, क्लास 12 दोनों मिक्सअप आता है, तो JEE मेन्स में सोल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसे ध्यान रखना है। तो अब ये सोचें कि अब आने वाले एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है, इसलिए केमिस्ट्री का ध्यान है कि केमिस्ट्री में आपके जो भी चैप्टर है उसको इस तरह पढ़ें कि आपको दिक्कत ना हो। मैंने PDF बनाई हुई, PDF आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप देख सीख सकते हैं कि जो CBSE ने केमिस्ट्री आपके चैप्टर को किस तरह डिवाइड कर रखा है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। एक दो टॉपिक जो रिमूव कर देंगे आपका पी ब्लॉक में से ग्रुप 50 नहीं आएगा और सॉलिड स्टेट नहीं आएगा, जो बच्चे इंप्रूव एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए। तो ये जो